मतलब लाइन बाय लाइन, ज्यादा मैं बेटर बोलूँ तो वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना चाहिए उसको. मतलब मेरा अप्रोच ये होता था कि हम क्या करते थे ना, एक चैप्टर जैसे हमने पूरा पढ़ा एनसीईआरटी से, फिर मैं क्या करती थी उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी. शॉर्ट नोट्स में ऑलमोस्ट एवरी लाइन को मतलब मैं कुछ की पॉइंट वर्ड्स में कन्वर्ट कर देती थी, तो वैसे मैं कर लेती थी. और उसके बाद से हम फ्रेंड्स, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी काफी क्लोज, तो हम बैठ जाते थे और हर एक पेज से हम अराउंड 15 क्वेश्चंस बनाते थे. मतलब लूजली पैक, कॉम्पैक्टली पैक तक पे हम क्वेश्चन बना देते थे. तो इस तरह से हम बैठ के फिर क्वेश्चन डिस्कस करते थे. तो इस तरह से मतलब एक अप्रोच पता चलता है कि टीचर कहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है. Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with the Toppers, an initiative by an academy, myself Anmol Sharma, and a doctor by profession and a teacher by a passion and a top biology educator at an academy. और आज हमारे साथ है आकांक्षा सिंह, जिन्होंने नीट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है. और इससे भी बड़ी बात है कि इनका जो स्कोर है वो 720 आउट ऑफ 720, जो कि नीट में ये पहली बार हुआ है किसी बच्चे ने 720 में से 720 स्कोर किया है. तो आइए हम स्वागत करते हैं आकांक्षा सिंह जी का हमारे इस ऑसम प्लेटफॉर्म पर. हेलो आकांक्षा. हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो आकांक्षा, जैसे कि अभी रिजल्ट आ चुके हैं, काउंसलिंग हो चुकी है, आपको एडमिशन हो चुका है आपका एम्स न्यू दिल्ली में, तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि रिजल्ट के बाद का वो दिन कैसा था, मतलब वो एक्साइटमेंट लेवल किस तरीके की थी? मतलब जब रिजल्ट आया, एक तो रिजल्ट काफी डीले हो रहा था और हम रेगुलरली बैठे हुए थे, आ ही नहीं रहा था. तो पता था कि मतलब कि अच्छा स्कोर बन रहा है, बट 720 के लिए वो मतलब एक दिल में था कि पता नहीं क्या होगा. बट जब आया तो देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई. मतलब जब स्क्रीन पे देखा तो दैट मोमेंट वॉज यूफोरिक एंड सब बहुत खुश थे, तो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही था तो उस वक्त का. सो मतलब जब आपने तैयारी की थी तो आपने कभी ये सोचा था क्या, लाइक जैसे कि ये तो यूजुअली सारे लोग पूछते हैं और मैं भी आपको पूछता हूँ कि लाइक ये हाँ मैंने कि नहीं मुझे 720 में से 720 ही लाना है, तो मतलब आपने वो इतने सीरियस होके कभी पढ़ाई की है? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था. मतलब पढ़ाई से प्रिपरेशन कर रहे थे और लास्ट में जो मॉक पेपर्स हमारे चल रहे थे उस टाइम में, उससे मतलब इतना आइडिया लग गया था कि 700 प्लस जो है वो बन जाएंगे, मतलब 700 प्लस आ सकते हैं और उतने पे एम्स भी मिल जाएगा, टॉप 40 रैंक आ जाएगी. तो वही सोच के प्रिपेयर किया था कि टॉप 40 में आना है, 700 प्लस आ जाए, बट 720 आएंगे ये तो सोचा नहीं था कभी और उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं किया था. और एक दो क्वेश्चन का तो मार्जिन लेके चले ही थे. जैसे कि आपको पता है कि आपने जो ये एग्जाम्स दिए नीट 2020, वो एक कोविड के प्रेशर में भी दिया है हमने, कोविड का बहुत ही प्रेशर था, तो वो कोविड ने क्या आपके प्रिपरेशन को कभी कुछ अफेक्ट किया है जी? मतलब पहले पेपर 3rd मई को होने वाला था, तो मतलब उसके लिए प्रिपेयर पूरा कर लिया था, लेकिन उसके बाद से कोविड मतलब अनएक्सपेक्टेड सा ही हो गया और फिर डीले हो रहा था. तो इनिशियली मैं थोड़ा मतलब परेशान हुई थी कि मतलब इतना डीले हो रहा है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. बट लेटर ऑन मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले लिया कि फालतू में अगर मैं सोचूंगी तो कोई और जिसने नहीं प्रिपेयर किया वो पढ़ के मेरे से आगे निकलेगा, तो आई शुड आई गिव दैट एज टू समवन एल्स, आई शुड टेक दैट एज. तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने इस तरह से अप्लाई करना स्टार्ट किया कि मैं अपना पेपर करने का ड्यूरेशन कम करूंगी, तो बेसिकली रिविजन मैंने और बढ़ा दिया उसमें. तो मैंने उसको एज अ सोल्यूशन, मतलब मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया है, तो उसने मेरे को काफी हेल्प किया है. तो आकांक्षा, आपको याद होगा कि जैसे कि बहुत से जो थे, अगर हम देखेंगे तो बहुत से बच्चे थे और बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी या बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई नीट को पोस्टपोन करना है, तो उस समय लाइक आपको ये लगता था कि नहीं ये होना चाहिए था कि नहीं नीट होना चाहिए या तो पोस्टपोन होना चाहिए था, आपको क्या लग रहा था? मतलब मैंने पूरा पढ़ लिया था तो मैं तो चाहती थी कि हो जाए, बट जो चाहते थे कि ना, अगर उनका कोई जेन्युइन रीजन था, जैसे बिहार में फ्लड्स वगैरह आए हुए थे तो उनका रीजन जेन्युइन भी था, तो मैं उसको भी डिनाई नहीं कर रही. और बाकी मेरे को लगा कि इन सब चीजों पर ध्यान देने की बजाय मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं जो मेरे हाथ में है, तो वो ज्यादा मेरे को हेल्प करेगी. तो मैंने अवॉइड किया वो सारे प्रॉब्लम में पढ़ना. ओके, सो आकांक्षा, जैसे कि अभी आपको एम्स न्यू दिल्ली मिल गया है, सो आपका कॉलेज कब से चालू हो रहा है, मतलब वो एक्साइटमेंट लेवल कैसा है? मतलब अभी हमें रिपोर्ट करना था ऑन 6th to 12th नवंबर के बीच में, तो वो रिपोर्टिंग हमने कर ली और हमारी क्लासेस जो है 1st December से स्टार्ट हो रही है. तो वो तो मतलब उसके बारे में तो जब भी सोचते हो तो अलग ही मतलब मेरे को फीलिंग होती है, क्योंकि उसी को सोच के मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी कि मेरे को एम्स दिल्ली ही चाहिए और कोई कॉलेज नहीं चाहिए. तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ पे सारे मतलब जितने सीनियर्स को देख के पढ़ाई करी है, फोटो लगा के रूम में उनसे मिलने को मिल रहा है, उनसे बातें करने को मिल रही है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है. और आगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम एम्स. That's great, congratulations Akansha. And अभी जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो ये बातें आती हैं
कि जैसे कि नीट 2020 में अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। यूजुअली आकांक्षा, क्या आपके भी मन में ऐसा था कि नहीं यार मेरा बायो बहुत अच्छा है तो मेरा फिजिक्स बहुत खराब होगा, आपके मन में कभी ऐसा था? नहीं, एक्चुअली हमारे टाइम पे क्या था कि एम्स भी होने वाला था और एम्स 2019 दिसंबर में ही हटा है, तो उसके पहले क्या था कि फिजिक्स हमें शुरू से ही बहुत, मतलब जिस कोचिंग में मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे हमें फिजिक्स शुरू से ही बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कराई थी, तो उसमें मतलब हमें जे एडवांस के, जे मेन्स के भी मॉक पेपर्स कराए थे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ऑलरेडी एक लेवल पे थी, तो लास्ट में आके बायो ही बचा था जिसको अच्छे से करना था, तो वो मैंने लास्ट टाइम में कर लिया। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो मेरे को लगा वीक है, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल कमांड थी मेरी। ओके, तो आकांक्षा अभी जो कि अभी मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ मैं अभी सब्जेक्ट वाइज पूछूंगा, हम लोग बिगिन करेंगे पहले फिजिक्स से बिगिन करेंगे। तो कभी आकांक्षा आपको लगा है कि फिजिक्स में कि ये मेरे कोर टॉपिक्स हैं, ये मेरे मीडियम टॉपिक्स और ये टॉपिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आते, आपने फिजिक्स को कैसा स्टडी किया है अपने समय? मतलब फिजिक्स में मेरा फेवरेट जो पार्ट था वो मैकेनिक्स का था इनिशियली, जो 11th में शुरू होता है वो पूरा रोटेशन फ्रिक्शन वगैरह वाला, और उसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अगर उसमें मतलब मेरा जो पैटर्न होता था पढ़ने का वो ये होता था कि सबसे पहले तो जो हमें पढ़ाया है उसको मैं पूरा नोट्स रिवाइज करती थी, फिर मैं अपने सारे कोचिंग के जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारे करती थी, और हमें क्वेश्चन बैंक्स वगैरह दिए थे तो अराउंड 300-400 क्वेश्चन मैं उससे प्रैक्टिस कर लेती थी। उसके बाद से एक जनरल बुक जो मैं रेफर करती थी एच सी वर्मा से मैं पढ़ती थी, कुछ टॉपिक्स मैंने उसके पढ़े हैं और क्वेश्चन तो मैंने उसके सारे किए मैकेनिक्स के, एंड उसके बाद से एनसीईआरटी, वो काफी अच्छी बुक है एंड मोस्टली सब उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और फिजिक्स की तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से निगलेक्ट की जाती है, जिसको मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इस बार मतलब दो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए फिजिक्स की एनसीईआरटी से, कॉपर की रेजिस्टिविटी का कर्व आया है और एक सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या वेरिएशन होता है, दे वर एग्जैक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, तो उसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है और उसके एडिशनल एक्सरसाइज भी मैंने की है, तो ये एक जनरल पैटर्न में फॉलो करती थी मैकेनिक्स के लिए, और बाकी चैप्टर्स के लिए भी ऑलमोस्ट सेम मैं रखती थी, जो कुछ टॉपिक्स जैसे थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट हो गया और 12th में सेमीकंडक्टर्स आता है, वो मेरे को थोड़ा मेरा वीक पॉइंट था सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट, क्योंकि हमें हमारी क्लास में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिया था, लेकिन फिर बाद में जब नीट के सिलेबस पे वो कट हुआ तो काफी रिड्यूस हो गया था, तो फिर वो भी इजी पड़ गया, और बाकी फिजिक्स में ऐसा वो लोग उसको काफी फोबिया बना लेते हैं, तो उतना बनाने का होता नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, बस उसको एक बार अच्छे से समझने का होता है, जो समझ लेगा उसको बाद में बहुत इजी लगेगा, लेकिन लोग रटने लग जाते हैं वहीं पे गलती कर देते हैं। सो फिजिक्स के लिए अप्रोच क्या है, जैसे कि होता है ना बायोलॉजी में क्या अप्रोच रखते हैं कि पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर रिवीजन करेंगे फिर सवाल सॉल्व करेंगे, तो फिजिक्स के लिए क्या अप्रोच है, जैसे कि हमें कैसे उसका एक आगे बढ़ना चाहिए फिजिक्स को लेकर? मतलब फिजिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया पहले आपको जो भी पढ़ाया नोट्स आप उसको पूरा पढ़ो, उसके वजह से जो भी आप मतलब एक मॉड्यूल जिसपे आप सिंसियरली फोकस कर रहे हो उस मॉड्यूल को पूरा थोरली पढ़ो, और उसके बाद से तुरंत जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है अराउंड 300-400 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, अच्छा सोर्स होना चाहिए, जैसे हमें लास्ट लीप क्वेश्चन बैंक ऐसे कई सारे बुक्स मिली थी, तो वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद से एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ना, एक बार चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया ना तब एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो और एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, एंड उसके बाद से जब आपका पूरा सिलेबस या कंप्लीट हो चुका है या बीच में भी आप टेस्ट दो, मॉक टेस्ट काफी प्रिपेयर करने, और जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो सर्कल कर लो और एक अलग कॉपी बनाओ, उसमें उस क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन नोट करो और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करो, तो जनरल ये अप्रोच अगर आप रखते हो फिजिक्स काफी स्ट्रांग कर सकते हो। ओके, तो मतलब और अगर हम इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना वैल्यू मान सकते हैं, जैसे कि होता है ना कि यूजुअली हमारे समय 2014-15 की बात है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते थे और उसके बेसिस पे हम कांसेप्ट को रेडी करते थे, तो क्या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो हमें हेल्प किए हैं क्या हमारे नीट एग्जामिनेशन में? हाँ बिल्कुल, जो मतलब एक्चुअली जो मेरे मॉड्यूल के बाद से मैंने जो आपको बोले 300-400 क्वेश्चंस, उसमें से मतलब हाफ क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते थे, मतलब वो रहते हैं मॉड्यूल में, और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद से तो हमें लास्ट में आर्काइव टेस्ट भी करवाए थे हर ईयर के, तो वो तो एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, वो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि एक चैप्टर में आपको किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से पॉइंट पे कम करना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो तो करना ही है। Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too. And I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of 1.5 years, I have helped over 100 students clear the pre-medical exams. Learn with me and you will be able to score 340 plus in biology. I am Pranav Pundareek and I teach live for pre-medical exams on an Academy Plus. So Akansha, the previous year questions jo hain, jaise ki NEET mein usually aate hain. Agar main batau to humare samay wo kya kehte hain?
वो मंकी वाला जो क्वेश्चन होता है, मैकेनिक्स में पुली वाला क्वेश्चन होता है, वो यूजुअली रिपीट होता है। तो क्या नीट 2020 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस साल भी? हाँ, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सेम ही लगते हैं जो पहले लगते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो आपको एक एज मिल जाता है पेपर में कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप तुरंत मतलब यू नो यू गेट दैट इंस्टिंक्ट, मतलब तुरंत आ जाते हैं कि हाँ इसको ऐसे ही करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट प्रीवियस 15 टू 10 ईयर्स क्वेश्चन आर अ मस्ट, वो तो करना ही चाहिए, मैंने किए हैं सारे। ओके, सो अब मैं आकांक्षा आपको ये पूछूंगा, यूजुअली ये होता है ना कि अगर मैं आपको मेरी बात बताऊं तो मैं अब हमारा जो डेली शेड्यूल होता था तो हम पहले उठ के बायोलॉजी पढ़ते थे, देन केमिस्ट्री पढ़ते थे, देन फिजिक्स पढ़ते थे। आपने भी कुछ ऐसे शेड्यूल बनाया था कि जैसे कि अगर आप आज जग रहे हो सुबह तो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट अप्रोच क्या रहता था? मतलब शेड्यूल तो मेरा काफी हैफिजर्ड होता था, और ये मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगी कोई मेरे से सीखे, क्योंकि मैं नाइट आउल हूँ, मैं मतलब रात भर जाके पढ़ती हूँ और दिन भर सोती हूँ, तो मेरा वो काफी अजीब रहता था। और एज सच मेरा फिक्स नहीं होता था कि पहले मेरे को ये पढ़ना है, मेरा मोस्टली होता था कि जो भी टॉपिक चल रहा है उसको एक्सटेंसिवली कर लेना है। अब चाहे वो करने में दो दिन अगर मेरे को लग गया तो मैं दो दिन ऑर्गेनिक ही करती रह जाती थी, मैं भूल जाती थी बायो और फिजिक्स कोई सब्जेक्ट है, तो फिर बायो करी तो बायो में घुस जाती थी। तो एज सच मेरा नहीं होता था कि शेड्यूल के पहले ये करना है फिर ये, जो भी करती थी उसको अच्छे से करती थी, ऐसा था मेरा। तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो फिजिक्स के रिगार्डिंग जो डर है, और यूजुअली बहुत से टीचर्स जो होते हैं ना वो डर को बना भी देते हैं, एक होते हैं एक टीचर ऐसा होता है जो कि बच्चों को फिजिक्स का डर बना लेगा, और एक होते हैं कि वो आपको हायर लेवल का क्वेश्चंस करवा देंगे, डर और बढ़ जाता है। तो उन बच्चे को क्या आप रिकमेंड करेंगे? मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और उसको एक बार अगर आपने सारे उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसका डर खत्म करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि इजी क्वेश्चन से बिगिन करो, सीधा एक ही बार डिफिकल्ट ले लोगे तो कोई भी कर नहीं पाएगा। तो इजी क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस कर लो, जब इन्यूमरस नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तब मीडियम पे जाओ, और फिर डिफिकल्ट लेवल के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे करने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली अब तो नीट है, नीट के लिए अगर आप फोकस दो ना तो बिल्कुल जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की, वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि डरो मत उससे, उसको एज अ फन लो, काफी अच्छा सब्जेक्ट है। और आकांक्षा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि यूजुअली हम कहते हैं ना कि बहुत से बच्चों को ना एम्स नहीं चाहिए, सिर्फ MBBS चाहिए उनको, वो कहते हैं कि नहीं सर हमको 180 बाय 180 नहीं लाना है, हमें 150 प्लस लाना है। तो आपके हिसाब से जो कोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपने अगर 180 पूरा स्कोर किया है तो आपने सारे टॉपिक्स पढ़ कर गए, लेकिन वो एवरेज बच्चे जिनको सिर्फ 150 लाना है या 140 लाना है, तो आपके हिसाब से कोर इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से क्या क्या होंगे? मेरे हिसाब से जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप पढ़ लो तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज अ यूनिट, एक तो मैकेनिक्स है जो 11th में आता है, उसके बाद से 12th में एक पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा, जिसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला मैग्नेटिज्म वाला पार्ट और फिर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट है। ये वाला ये जो यूनिट्स है, ये दोनों यूनिट्स एज अ होल आपको मतलब 120-130 तो स्कोर करा ही देंगे। और इसके बाद से इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है ऑसिलेशन, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट, थर्मल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप 140-150 स्कोर कर लोगे, मतलब एवरेज वालों के लिए अगर वो तीन अगर ये यूनिट कर लेंगे तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं उसके बाद से कुछ, एक्चुअली वेव्स एंड ऑसिलेशंस वाला पार्ट रह जाएगा और इधर मॉडर्न फिजिक्स जिससे उतने क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। यस, यूजुअली बिकॉज़ हमारे समय ना मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स को ना बहुत प्रायोरिटी दिया गया है, और मतलब बहुत से क्वेश्चन यूजुअली रिपीट हुए भी हैं मॉडर्न फिजिक्स से, अभी थोड़ा पैटर्न चेंज करवा दिया इन्होंने। ये हो गई बात फिजिक्स की। अब यूजुअली क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो बोर्ड्स के भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर फिजिक्स भी देना देखना और बोर्ड्स का भी फिजिक्स देखना, तो इन दोनों फिजिक्स में क्या अंतर है? जैसे कहते हैं ना कि हमारे बोर्ड्स का फिजिक्स इतना है तो नीट का फिजिक्स इतना है, इज दैट इट, आपको लगता है ये बात सच है? नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये बात सही है, क्योंकि बोर्ड्स में और नीट में मेरे को एक ही अंतर लगता है। बोर्ड्स में होता है कि आपने जो स्टेप्स किए हैं आपको वो लिखने हैं, और नीट में क्या है, आपको लिखने नहीं है, आपको सीधा आंसर टिक करना है। इससे ज्यादा मेरे को कोई खास अंतर लगता नहीं है, लेवल में बस हल्का सा स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन अगर आप नीट को फोकस करके पढ़ोगे तो बोर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि मतलब स्टेप्स लिखने तो आते ही है ना, आपने उसको रफ में किया आप उसको वहां लिख दो, तो आई डोंट थिंक कि फिजिक्स में तो स्पेशली बिल्कुल भी बोर्ड्स और नीट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि बच्चों को ना एक बड़ा डर बना दिया गया, जैसे कि मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो वो कहता कि सर मैं तो एक साल से ड्रॉप लिया हूँ, बट मैं एक साल से सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री कर रहा हूँ, जैसे कि अपने केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हमें केमिस्ट्री को लेकर क्या अप्रोच लेना चाहिए, कि पहले हमें ऑर्गेनिक करना चाहिए, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, आपके हिसाब से क्या लगता है? मतलब हमें जो पैटर्न फॉलो किया था वो ये था कि पहले तो हमें 11th की फिजिकल पढ़ाई थी,
और फिर इनऑर्गेनिक जितना 11th का पोर्शन है वही पढ़ाया और फिर ऑर्गेनिक क्लास में स्टार्ट की थी और ऑर्गेनिक पूरी साथ में पढ़ाती, मतलब 11th की ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद 12th की भी ऑर्गेनिक कंटिन्यू कर दी। तो मैंने भी इसी पैटर्न में पढ़ाई किया है, तो मैंने ऑर्गेनिक एज अ चंक पूरा कंप्लीट किया है एक साथ ही। तो उससे हेल्प ही होती है कि 11th का पढ़े फिर भूल जाते हैं, फिर 12th में शुरू करते हैं, तो वैसा होता है। अगर आप रेगुलर करो उसको तो वो हेल्प करेगा आपको। और बाकी हर एक को इक्वल फोकस करना है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ फिजिकल कर लिया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक छोड़ दी। और इनऑर्गेनिक तो बहुत मतलब ईजी भी है क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पे आपको स्टक करना है उसको। हाँ, बायोलॉजी जैसी है बिल्कुल, एनसीईआरटी के बारे एक स्टेटमेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसको रट डालो पूरा, बस खत्म है वो तो। तो वो तो सिंपल है, उसको करना है। ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और फिजिकल रही बात तो वो भी इजी है क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो लेकिन सारे सभी को इक्वल फोकस देना इंपॉर्टेंट है। एक होता है ना बच्चों के ना मोल कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होते, क्योंकि अगर हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में तो वो मोल्स को कॉन्सेप्ट को एक सेंटर बनाकर हर एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया या हर एक मतलब थर्मोडी हो गया ये सब। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या अप्रोच, जैसे कि मतलब बहुत से बच्चे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ अभी करंटली, उनका ये है कि सर हमको 180 नहीं चाहिए, सर 150 प्लस चाहिए। तो एक होता है ना कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा खुद 150 प्लस रह चुका है। तो एक मेरी अप्रोच थी कि नहीं यार मैं ना थर्मोडी कर लूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लूंगा, केमिकल काइनेटिक्स, बिकॉज हम प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करके हम क्वेश्चन डिसाइड करते थे। तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा मतलब केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री के लिए अगर मैं अप्रोच बताऊं कैसे करना इंपॉर्टेंट है, तो 11th में जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो सारे मतलब थियोरेटिकल उतने नहीं है, उसमें प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। और मोल कॉन्सेप्ट तो एकदम सेंटर है जैसा आपने बोला, अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप सारे टॉपिक्स में फंसोगे। तो उसको स्ट्रांग करने का सबसे बेस्ट तरीका मतलब पढ़ाओ उसको और फिर 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए उसके, उसमें आपको हर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उसके बाहर से पूछेंगे क्या। तो उतना आपको कर लेना है तो आपका मोल केमिस्ट्री मतलब जो मोल्स वाला कॉन्सेप्ट है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद से 12th की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी टॉपिक्स हैं काफी थियोरेटिकल है, मतलब फिजिकल में भी थियोरेटिकल है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया उसमें, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट में सेल्स करके आता है पूरा, सेल्स का पूरा सब कुछ क्या हुआ है वो भी थियोरेटिकल है। फिर सॉलिड स्टेट है वो भी काफी थियोरेटिकल है, मतलब अगर हाँ मतलब उसमें सेमीकंडक्टर उसमें काफी चीजें एक्सप्लेन किया लास्ट में, डाटा वगैरह है। तो 12th वाला पार्ट थियोरेटिकल है, वो आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो तो आप कर सकते हो इसलिए। और केमिकल काइनेटिक्स उसमें 2-3 ही तो फॉर्मूले याद करने हैं उसमें, और वो आपने कर लिया तो क्वेश्चन हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं पूछते, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत डर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यूजुअली हमारे समय जो हमारे जो टीचर थे उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना दो चीज करो, मैकेनिज्म्स याद कर लो, आयोपैक नेमिंग आने चाहिए, नेम रिएक्शंस आने चाहिए और जीओसी अच्छे से आने चाहिए, अभी केमिस्ट्री ठीक हो जाएगी। आपकी सबसे क्या लगता है इसमें और क्या एडिशन करना चाहिए? मतलब केमिस्ट्री में मेरा अप्रोच ये होता था कि आप एक कॉपी बनाओ जिसमें आप सिर्फ रिएक्शन का नाम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लो। मैकेनिज्म आपको हर एक रिएक्शन का अच्छे से आना चाहिए, अगर वो एनसीईआरटी में दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया है तो आप नेट से सर्च कर लो या फिर आपको जो भी जहाँ भी आप पढ़ते हो आपको बताया गया होगा। मैकेनिज्म आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में वो बीच के इंटरमीडिएट के क्वेश्चन वही पूछेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आया था वो भी एनसीईआरटी का ही था, तो वो आपको मतलब रटा होना चाहिए, लेकिन ऐसे सारे मैकेनिज्म क्लियर होने चाहिए। और फिर वो जो कॉपी आपने बनाई है उसमें आप कुछ डाटा भी लिख सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में कुछ कुछ डाटा दिए हुए हैं वो चीजें आप ऐड कर लो। और बाकी जो आपने पॉइंट्स बोले उतना इनफ है, मतलब आयुपैक नॉमिनक्लेचर अगर आपको क्लियर है, जीओसी अगर आपको आती है तो उसमें ऑलमोस्ट सारा पार्ट आ जाता है। और बाकी अगर आपने ऐसी कॉपी बनाई है जिसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद कर रहे हो तो इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक में। सप्लीमेंट्री के हिसाब से होता है ना, जैसे कि हम क्लासेस के मॉड्यूल्स फॉलो करते हैं, तो आपने लाइक कोई मतलब आपके तो क्लासेस के आपने मॉड्यूल्स फॉलो किए। एक होता है ना हम एक्सटर्नली भी और करते हैं, हमारे एक मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो एक्सटर्नली के लिए आपने लाइक क्वेश्चन बैंक्स कहां से रिफर किए हैं? मतलब एक तो मतलब मैं आकाश कोचिंग के जो मॉड्यूल्स थे वो करती थी और उसके बाद से उसी के क्वेश्चन बैंक में मेरे को 300-400 क्वेश्चन मिल जाते थे। कुछ टॉपिक्स मैंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए थियोरेटिकली पीटर साइक्स पढ़ी है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और मैकेनिज्म्स के काफी अच्छे मतलब उसमें दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट। तो उससे अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो वो काफी अच्छी बुक है, अदरवाइज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ सकते हो 4-5 चैप्टर उसके, मतलब अगर आप स्टडी करते हैं और जो टीचर आपके नोट्स दे रहे हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं मतलब प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स अ ग्रेट। और अब अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें आती हैं बायोलॉजी को लेकर आती है। अब बायोलॉजी में 360 में से 360 है ना, तो अब कहते हैं ना कि मतलब अगर जिसको 360 आ रहा है मतलब उसके बायोलॉजी की हर एक लाइन याद होगी, तो इज इट सच बात।
हाँ बिल्कुल सच है, लाइन के एक एक वर्ड याद होना चाहिए आपको एनसीईआरटी का, इट्स अ फैक्ट. मतलब नीट में अगर आप बैठोगे 90 में से 88 क्वेश्चन आने हैं एनसीईआरटी से, और फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग उसको छोड़ के दुनिया भर की किताब क्यों पढ़ते हैं जब उससे आना नहीं है कोई क्वेश्चन. जब एनसीईआरटी आ रही है तो रट लो उसको यार, दो किताबें हैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड सब रट डालो उसका, छोड़ना क्यों. अगर मेरे बारे में बताओ तो मैंने कुछ नहीं, मैं तो कोई कोचिंग क्लासेस भी नहीं लगाया था हमारे समय, ड्यू टू सम कंडीशंस की वजह से, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर 350 प्लस बायोलॉजी में आ गया. और यूजुअली हम कहते हैं ना आ सकते हैं कि बच्चे कहते हैं ना कि सर हम टू मैथ्स पढ़ लें, सर हम ये भी कर लें, सर हम वो भी कर लें, तो मैं यूजुअली कहता हूँ बच्चों की नहीं जरूरत नहीं उस चीज की, जरूरत है तो सिर्फ एनसीईआरटी की. तो एनसीईआरटी को अगर हम बाइबल बना लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा. अब एनसीईआरटी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होता है, और एक होता है कि सिर्फ नजर मारो. आपके हिसाब से किसको हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए? मतलब लाइन बाय लाइन ज्यादा मैं बेटर बोलूँ तो वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना चाहिए उसको. मतलब मेरा अप्रोच ये होता था कि हम क्या करते थे ना, एक चैप्टर जैसे हमने पूरा पढ़ा एनसीईआरटी से, फिर मैं क्या करती थी उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी. शॉर्ट नोट्स में ऑलमोस्ट एवरी लाइन को मतलब मैं कुछ की पॉइंट वर्ड्स में कन्वर्ट कर देती थी, तो वैसे मैं कर लेती थी. और उसके बाद से हम फ्रेंड्स, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी काफी क्लोज, तो हम बैठ जाते थे और हर एक पेज से हम अराउंड 15 क्वेश्चंस बनाते थे. मतलब लूजली पैक कॉम्पैक्टली पैक तक पे हम क्वेश्चन बना देते थे. तो इस तरह से हम बैठ के फिर क्वेश्चंस डिस्कस करते थे. तो इस तरह से मतलब एक अप्रोच पता चलता है कि टीचर कहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, काफी हेल्प मिलेगी. मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ एकेडमी प्लस पर, तो मैंने मेरा सिस्टम यही है. अब देखेंगे तो सारे फैकल्टीज का मेन क्या होता है कि वो यूजुअली आते हैं और हर एक चीज पढ़ाना चालू करते हैं इन डिटेल में, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो नहीं होना चाहिए हमारे लिए. तो मैं यूजुअली बच्चों को सबसे पहले दो क्लासेस में एनसीईआरटी क्लियर करवाता हूँ वर्ड बाय वर्ड. थर्ड क्लास में बच्चों का ले लेता हूँ फास्ट ट्रैक नोट्स. मैं नोट्स मतलब उनको कहता हूँ कि तुम्हें क्या स्टूडेंट्स की तरह मत पढ़ो, टीचर की तरह पढ़ो, कि मैं ये भी क्वेश्चन बना सकता हूँ वो भी क्वेश्चन, और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन. और 2020 में बहुत से बच्चे हैं लाइक उनका बायोलॉजी में 350 प्लस आया है, तो मतलब ये अगर हम स्टेप से जाते हैं तो लाइक बच्चों का सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत. हाँ. हाँ जी. और अब बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बायोलॉजी में हमने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए या रिवीजन कितनी बार करना चाहिए बायोलॉजी का. बायोलॉजी में मैंने एनसीईआरटी को ऑलमोस्ट हर चैप्टर 15 से 20 बार रिवाइज किया है अपने शॉर्ट नोट से, क्योंकि एक चैप्टर को आप नोट्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 पेज में बन जाता है. और जैसे जैसे आप रिवाइज करना स्टार्ट करते हो ना, मेरे को पहले लगता था यार लोग 10-10-20 बार कर कैसे लेते हैं. वो एक्चुअली होता क्या, जब आप शुरू में करते हो तो आपको आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा, बाद में जाते जाते 5-10 मिनट में होने लगता है रिवाइज. तो आप फ्रीक्वेंसी उसको मतलब 15-20 बार तो करना है, और एक चैप्टर का एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और बाद में मॉक पेपर्स तो अटेंड करनी है. लास्ट के 3-4 महीने में ऑलमोस्ट हर नेट पेपर तो अटेंड करना है मिनिमम, इतना आप करो इतना पे. तो बायोलॉजी में आकांक्षा कभी ऐसा हुआ है क्या कि मॉड्यूल्स के अलावा भी हमने और कोई बुक्स हमने रिफर किया है क्या? बायोलॉजी में मैंने कैम्पबेल पढ़ी है, वो काफी अच्छी बुक है, बट वो मैंने ओलंपियाड्स के लिए पढ़ी थी क्योंकि मैंने एनएससी दिए थे और केवीपीवाई दिया था. तो उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कैम्पबेल पढ़ सकते हो, बहुत प्यारी बुक है, लेकिन बहुत एडिक्टिव है. अगर आप उसको पढ़ने लग गए तो छोड़ोगे नहीं. तो मैं 2 महीने वही पढ़ती रह गई थी दिसंबर जनवरी, और उसकी वजह से मेरा काफी उसके बाद रैंक खराब होने लगा था. तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. एनसीईआरटी इज एनफ, और बाकी मॉड्यूल थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए काफी है. ओलंपियाड्स के लिए आप कैम्पबेल कर सकते हो. अच्छा, मतलब क्या अगर आपको ओलंपियाड के लिए जाना है तो कैम्पबेल. So, ये रहेगी हमारी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात हो गई. अब एक जब हम कहते हैं ना कि नीट 2020 आ गया, पेपर अभी हमें देना है, तो 3 घंटे का जो प्रेशर था वो आपने लाइक कैसे रिलीज किया? लाइक ही एक होता है ना कि हमारा धक धक बढ़ जाता है, बताइए नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? मतलब एक तो उसका इजिएस्ट वे हैंडल करने का ये है कि आप काफी प्रैक्टिस कर लो. मतलब वो एग्जाम का इन्वायरमेंट घर पे सिमुलेट करके घर पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको उस दिन पे ऐसा लगे ना कि यार ये तो बहुत बड़ा कोई दिन है. दूसरा, आपको अपने मतलब प्रिपरेशन पे मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि आपने इतना पढ़ा है कि आप अच्छा करके आओगे. कुछ नहीं तो आप बेस्ट करके आओगे, जितना आपने पढ़ा है उतना आप करके आओगे. ऐसा तो हो नहीं जाएगा उस दिन कि हर दिन आपके 690 आते हैं तो उस दिन अचानक से 600 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. तो वो डर निकाल दो अपने अंदर से. और दूसरा चीज ये कि पेपर करते वक्त सिर्फ पेपर पे फोकस करना है. उस वक्त पे लोग क्या करने लगते हैं, आगे का सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा. वो 3 घंटे आपको मिले हैं पेपर में, तो पहले उस पर ध्यान दे लो, वो सब बाद में सोचना. तो ये सारी चीजें करने का जरूरत है, और बस इतना काफी है. तो आपने 12th अभी दिया था कि आपने ड्रॉप लेके किया कि आपने अभी 12th दिया था? अभी जस्ट 12th दिया है, तो ड्रॉप नहीं लिया है. कौन से बोर्ड से थे आप? सीबीएसई बोर्ड से थी मैं. तो मतलब एक कहते हैं ना कि आपको कभी ऐसा हुआ कि यूजुअली बच्चे जो होते हैं ना उनको डीमोटिवेट बड़ा करते हैं, अरे मेरे ताऊ ने आके मुझे ये कह दिया,
है ना, तो आपने कभी डिमोटिवेशन को आपने कैसे टैकल किया है? हाँ मतलब मैं जिस मतलब हॉस्टल में मैं रहती थी तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे काफी अच्छे थे, मतलब उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ था टॉप 20 स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे मेरी रैंक कई बार मतलब नीचे आ जाती थी तो सुनने को मिल जाता था, टीचर से कोई कुछ भी कह देता था तो उसका बेस्ट वे ये होता था कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती थी, मतलब दे वर लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो उनको मैं सब कुछ बता देती थी और वो हमेशा एक ही चीज कहते थे कि हमें तुम पे फेथ है, तुम पढ़ रहे हो तो तुम बस अपनी मेहनत पे ध्यान दो, फाइनल रिजल्ट अच्छा होगा, तो आपको भी कोई अपना बेस्ट बडी ढूंढ लेना चाहिए, मे बी योर पेरेंट्स और योर वेरी क्लोज फ्रेंड, और आप उससे सारी बातें डिस्कस करो तो यू विल फील गुड। तो जैसे आपके हिसाब से, जैसे कि अपने फ्रेंड्स की बात कर ही रहे हो अभी आप, यूजुअली एक होते हैं ना कि दो तरीके के फ्रेंड सर्कल होते हैं, एक होते हैं कि वो बोलेंगे एक काम करेंगे अपन अगले साल साथ में ड्रॉप लेंगे वापस तैयारी करेंगे, और एक फ्रेंड होते हैं कि नहीं यार हमें जी जो मतलब मेहनत लगा के करना है, तो आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स है कभी आपको किसी ने बोला है क्या नहीं यार चलो आकांक्षा अगले साल वापस करेंगे? नहीं मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे से ज्यादा फोकस थे, तो मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल का मेरे को ये फायदा मिला, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ऐसे चुने थे जो मतलब वो काफी फोकस्ड हो, क्योंकि अगर वो फोकस होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं तो वो आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होने देते, मतलब आप उनके साथ पढ़ोगे ना तो आपके मन में रहेगा यार इसका ना टाइम वेस्ट हो जाए, तो इसलिए ऐसे फ्रेंड सर्कल ही बनाओ कि जो फोकस्ड हो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये कहते हैं कि जो 10 लोगों के सबसे आप नियर रहते हो उनका ही आप एवरेज होते हो, एंड इट्स करेक्ट, तो फ्रेंड सर्कल बहुत वाइजली चूज करना है। तो आपके फ्रेंड्स से उनका भी सिलेक्शन हो गया सभी का? हाँ जी, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में 19th रैंक है आशीष की, 29th है लक्ष्य की, और ऑलमोस्ट सारे टॉप 1000 में, मतलब सारे टॉप 1000, मतलब सभी को अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया। अब मतलब अभी मैं आपको ये पूछूंगा कि आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान, एक यूजुअली ये सवाल बहुत ही कॉमन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक तो आपने कभी इसको अपने लाइफ में यूज किया है, लाइक हाँ होता है ना कि नहीं हमारा एक अफेक्शन रहता है? नहीं मैं सच बोलूं तो अभी तक मेरा कोई फेसबुक इंस्टा ट्विटर पे अकाउंट नहीं है, अभी तक नहीं है, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप यूज किया है, वो भी लॉकडाउन में जब हम घर आ गए थे क्वेश्चंस पूछने होते थे, तो सोशल मीडिया साइट्स तो मैंने अवॉइड की हैं, और अवॉइड करना ही अच्छा रहता है, फालतू में डिस्ट्रैक्शन है और उसका मेरे को कोई भी यूज लगता नहीं है, आउटपुट जीरो लगता है मेरे को उसका, तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट है भी नहीं उसमें पता नहीं क्यों, तो अवॉइड करना बेटर है। सबको पर्सनलाइज एक रहता है ना कि नहीं यार, जैसे कि मैं मतलब सात्विक का भी इंटरव्यू ले रहा था, तो लाइक ही वाज लाइक कि मैंने मेरे लाइफ को बड़ा चिल लेकर गया हूँ और मैंने इंजॉय किया हर एक चीज को। आपके भी कुछ ऐसे फेवरेट, जैसे कि हम बहुत पढ़ते हैं, हम दिन भर पढ़ते हैं, तो कभी डिप्रेशन हो गया या कभी, तो आपने वो अपने डिप्रेशन को कैसे रिलीज किया है? मतलब मेरा डिप्रेशन को रिलीज करने का बेस्ट होता था, मैं गाने सुनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा गाने सुनती हूँ, तो जब भी मतलब पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा तो गाना लगा लिया और फिर ऐसे कोई इजी क्वेश्चंस लेके क्वेश्चन बैंक लेके प्रैक्टिस करने लग गए, और या फिर ऐसे ही थोड़ा घूम आए टहल लिया और गाना सुनते सुनते, और या फिर ज्यादा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गए और कोई जैसे ना निमोनिक्स बनाने होते हैं कुछ बायो में, बहुत डिफिकल्ट कुछ हो गया याद करना है, तो अपने फ्रेंड के साथ बैठ गए और मजे मजे में उसको याद कर लिया, तो काम भी हो गया और फन भी हो गया, तो ये चीजें करती थी मैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप भी 24 घंटे में 17 घंटा पढ़ते थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्वालिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट, जितने आप एक घंटा भी पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ लो ना, ऐसे पढ़ो कि इतना फोकस्ड हो जाओ कि वो भूले ना आपको चीज, तो वैसा पढ़ना इम्पोर्टेंट है, 17 घंटे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मतलब 8 hours ऑफ स्लीप वॉज अ मस्ट फॉर मी, और हर दिन अगर मैं 8 घंटे सोना मैं दिन भर झूलती हूँ, तो आज भी मैं 8 घंटे सोती हूँ, तो वो तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे 17 तो वैसे ही नहीं बचते। देखिए MBBS में आओगे, और जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में हमारा सामना होगा एनाटॉमी से, है ना, तो मैं तो खुद गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ एनाटॉमी का, तो यूजुअली बोलता है ना कि अब मेरे को भी लाइक पूछेंगे ना कि सर आपने, हमारे जो जूनियर्स होते हैं कि सर आपने कैसे किया एनाटॉमी को, कि आपने 12 घंटा या 24 घंटा आपने पढ़ा? नहीं नहीं नहीं, चिल मार के करो, जितना भाई क्वालिटी मेन है जी, क्वांटिटी में अगर दिखाना है तो मैं 2400 घंटा बुक खोल के बैठ सकता हूँ जी, है ना जी। तो अगर आपके हिसाब से एक एवरेज, मतलब वो जिसको एम्स नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ 600 चाहिए, आपके हिसाब से उसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, जिसे एक सिलेक्टिव अप्रोच जिसे हम कहते हैं ना, क्या होना चाहिए? मतलब मेन अप्रोच ही होना चाहिए, मतलब दिन भर का अगर मैं आपको बता दूं कैसे आप कर सकते हो, तो जो भी आपने क्लासेस में पढ़ा उसका उसी दिन पढ़ना, ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोग छोड़ देते हैं उसको और फिर एक महीने बाद से वही चीज़ पढ़ते हैं तो पूरी नहीं हो जाती है, तो जिस दिन जो पढ़ाया उसी दिन उसको पढ़ के अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि एक चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मॉक पेपर्स, और मॉक पेपर्स यानी कि 3 घंटे में ही करने का आपको आदत डालना है, आपको उसको रिड्यूस करना है विद टाइम, जैसे 3 hours में आप कर रहे हो तो फिर 2 hours 45 minutes पे करो, फिर 2 hours 30 minutes में करो, जितना आप रिड्यूस कर लोगे ना एग्जाम के दिन, आपको जिस आपने मेरे से पूछा था ना
प्रेशर कैसे कम होता है, तो उससे भी कम होता है क्योंकि आपको एक मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार आप तो घर पे 2 घंटे में ही कर लेते थे पेपर, तो आज कितना भी होगा तो 2.5 घंटे में तो कर ही लोगे, तो वो चीज आप करो। उसके बाद से टीचर्स जिनसे भी आप पढ़ रहे हो उनको सिंसियरली फॉलो करो, वो जो भी चीजें बता रहे हैं उसको मतलब एक्सेप्ट करो, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ होता है जैसे वो ये कि ये टीचर ने मना किया तो हम यही बुक पढ़ेंगे, ट्रू मैन ही पढ़ेंगे, और वो किसी काम की है नहीं, तो इसलिए जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उनसे सीखो। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो अच्छा कर लोगे। और बाकी टाइम का बात रहा तो छुट्टी का दिन है तो 8 से 10 घंटे 10-12 घंटे आप पढ़ सकते हो, इतना इनफ है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रैक्टिस को रिगार्डिंग, तो जैसे कि खुद मेरा खुद 350 प्लस रह चुका है बायोलॉजी में, तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ प्रैक्टिस, तो क्या एक होता है ना कि बच्चों के मन में क्या होता है ना, अरे सर है ना बोलेंगे करो करो, उनको विश्वास नहीं होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पिछले साल की अगर बात करूं तो जब था अक्टूबर और नवंबर का मंथ, तो उतने बच्चे ना प्रैक्टिस में आते नहीं थे, लेकिन जब वो एग्जाम का जब आ गया मई अप्रैल, तो ये बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मैं बच्चों को यूजुअली कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस इनिशियल डे से होनी चाहिए, अंत में अगर मेरे को अगर मैच खेलना है, कल IPL है, तो अगर मैं आज बैट पकड़ूंगा तो मैं मैच नहीं जीतूंगा ऑफकोर्स। तो मतलब प्रैक्टिस जो है वो मतलब इनिशियल डे से हमारा चालू हो जाना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप होता है ना जी। हाँ डेफिनेटली, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड प्रैक्टिस तो आपकी पहले ही हो जानी चाहिए, और मॉक पेपर्स लास्ट टाइम में आपको करने हैं। जब 2 महीने बचा तब तो इंडिविजुअल चैप्टर्स का प्रैक्टिस करने का कोई मीनिंग नहीं है, तब तो आपको फुल लेंथ मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। अभी करंटली मैं बच्चों को यही करवा रहा हूँ, जैसे कि मैं चैप्टर वाइज मॉक चालू किया हूँ, मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ लिया करो एक, मैं क्योंकि देखिए ये वीडियो मैंने पूरा एक एवरेज सेंटरिंग बनाया, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे ना यूजुअली टॉपर बनने के लिए आते हैं, है ना, हम लोग टॉपर की इरादे से सोचेंगे तो टॉपर नहीं बनेंगे, पहले हमें एवरेज बनना पड़ेगा उसके बाद हम टॉपर। तो यूजुअली मैं बच्चों को कहता हूँ कि पहले तुम पहले NCERT पढ़ लो, उसके बाद आओ तुम मॉक टेस्ट कर लो चैप्टर वाइज, उसके बाद कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट मैंने ड्रॉपर्स के लिए रखता हूँ एवरी डे, भले वो 10 ही बच्चा क्यों ना हो, सो दैट कि उसका तो कॉन्फिडेंस एटलीस्ट बढ़ेगा। तो मॉक टेस्ट का आपकी लाइफ पर लाइक आपके प्रिपरेशन में कितना इम्पैक्ट आया है जी? मॉक टेस्ट का तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि मतलब आकाश कोचिंग जिसमें मैं पढ़ी हूँ उसमें अराउंड मैंने 300 से 400 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या है ना, आपको एक तो टाइम का पता चलता है कि कितने टाइम में आपको कितना क्वेश्चन करना है, वो प्रेशर में सिली मिस्टेक्स अवॉइड होती है, क्योंकि एक बहुत कॉमन चीज होती है सिली मिस्टेक जो हम करते हैं, तो उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि किस किस पार्ट में आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, इनकरेक्ट का करेक्ट पढ़ लिया या जल्दीबाजी में हाईलाइट नहीं किया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कई सारी मिस्टेक्स हैं, तो वो जैसे जैसे मॉक टेस्ट करते हो आपको आइडिया लगता है, फिर आप उसको एक कॉपी में नोट करते हो और लास्ट में देखते हो, तो वो आपके माइंड में रहता है, तो वो चीज आप एग्जाम के दिन नहीं करते, तो ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट तो इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मॉक टेस्ट को लाइक हमें इक्वली। अब यूजुअली आपने क्या डेली प्रैक्टिसेस किया, जैसे आप कह दो ना कि मैंने हर एक चैप्टर का 300-400 सवाल लगवाया है जी, तो आपने डेली प्रैक्टिस किया है, लाइक आपका एवरेज डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्या थे? जिसमें मैं आपको कहा कि ऐसा मेरा हर दिन का शेड्यूल फिक्स नहीं होता था, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ तो उसको मैं पूरा पढ़ती रह जाती थी, जब एक चैप्टर कंप्लीट होता था तब मैं एक ही बार में लगा लेती थी 300-400 क्वेश्चन, तो हर दिन नहीं करती थी मैं, बट जब एक चैप्टर कंप्लीट होता था तब उसके 300 क्वेश्चन मस्त थे जो मैं करती थी। सो आकांक्षा अभी ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जाऊंगा जो कि हमारे एस्पिरेंट्स ने पूछा है हमसे, और मैं चाहता हूं कि आप उसके आंसर बहुत ही प्रॉपरली उसको इलैबोरेट कर पाओगे। अलमास सैयद ने पूछा है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टडी अ चैप्टर परफेक्टली, एक चैप्टर को मतलब परफेक्टली हम कैसे करें? मतलब द बेस्ट वे स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो फॉर एनी चैप्टर इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर द नोट्स जो आपको पढ़ाए गए हैं क्लास में, उसके बाद से जो भी आप कोच, इसमें आप पे डिफर करता है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री तो आप पहले NCERT कर लो नोट्स के बाद से, और उसके बाद से अपने कोचिंग के मॉड्यूल करो और फिर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिजिक्स में पहले मॉड्यूल्स कर लो और अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद से NCERT पढ़ लो। सो आई थिंक दिस द बेस्ट वे टू डील विद एनी चैप्टर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू आकांक्षा। एक और एक सवाल हमें पूछा है विक्की शाह जी ने, वो ये कह रहा है कि हाउ टू मेक अ फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। मतलब फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले तो उसका फोबिया निकाल दो अपने अंदर से कि वो डिफिकल्ट है या उसको, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी फॉर्मूला उसका रटना नहीं है, हर एक फॉर्मूला का आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा है वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार आपको एक टॉपिक का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो फिजिक्स अपने आप ईजी लगेगी। और नेक्स्ट थिंग उसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक पेपर्स, तो ये सारी चीज़ें आप करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द राइट सोर्स, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप फिजिक्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और प्रभास सिंह जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप CBSE बोर्ड से थे, तो CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के समय क्या कुछ दिक्कत आई है? नहीं, मेरा तो काफी अच्छे से हो गया है काउंसलिंग और उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं आती है काउंसलिंग में। ओके दैट्स ग्रेट। और एक लोकल गेमिंग जी ने पूछा है हमें कि हम 11th और 12th को साथ में कैसे रिवाइज करें।
मतलब अगर जैसे 11th में तो आप सिर्फ 11th पढ़ते हो, जैसे 12th स्टार्ट होता है तो पहले 11th चल रहा होता है और साथ में आपको 12th करना होता है, तो हर दिन आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा जिसमें आप 11th रिवाइज करो. जैसे वो रेगुलर पैटर्न पे आपका होना चाहिए कि हर दिन आपने एक घंटा निकाल लिया या डेढ़ घंटा निकाल लिया, उसमें जो भी टॉपिक आपका मन करे रिवाइज कर लिया, और ऑन हॉलीडेज आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, मतलब 5-6 घंटे पढ़ लिया जब छुट्टी है, तो इस तरह से आप करो. और रिविजन मोस्टली ना आपका वैसे होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कुछ 11th के क्वेश्चन के, और फिर उससे जो टॉपिक याद नहीं है उसको रिवाइज कर लिया. ये अप्रोच काफी हेल्प करती है. और एक सवाल हमें पूछा गया है तेजस बंसोड़े द्वारा कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, हमें लाइक कंसिस्टेंट कैसे होना चाहिए. लाइक नीट का जो एग्जाम है वो पूरा 2 इयर्स का लॉन्ग प्रिपरेशन का फेज होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने किया और फिर छोड़ दिया तो हो जाएगा. उसके लिए ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो. मतलब यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक दो मोटिवेशन वीडियोस देख ली और फिर अगले दिन इतना पढ़ लेंगे एक ही बार में 15-20 घंटे, और फिर अगली बार से फिर से जीरो पे आ जाते हैं. वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हर दिन 5-5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन हर दिन मतलब कंसिस्टेंट रहना है. और दूसरा इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए आपको कि नहीं आपको वो चीज़ करनी ही है. मतलब प्लान बी नहीं होना चाहिए कि अरे ठीक है ड्रॉप ले लेंगे या कुछ और कर लेंगे. अगर आप फोकस रोके करोगे तो एक इंटरनल मोटिवेशन भी आएगा और फोकस होगा तो हो जाएगा. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. सो आकांक्षा, ये बहुत ही जो हमारे एस्पायरेंट से क्वेश्चंस थे, अभी मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? तो आप उसके लिए रेडी हो गए हो? देखते हैं. टी और कॉफी? टी. टी लवर, दैट्स ग्रेट. एमबीबीएस में काम आएगा वो. फेवरेट सब्जेक्ट इन द स्कूल? फिजिक्स. बहुत शानदार जी. वन टैलेंट यू विश यू हैड? सिंगिंग. अब दैट्स ग्रेट. द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर यू? द नीट रिजल्ट. द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ येट. ओके, इफ यू हैड अ वन सुपर पावर व्हाट वुड इट बी? आई वुड रिमूव ऑल द यू नो जो इतना अनएजुकेशन है इंडिया में, तो अगर मेरे पास होता मैं खत्म कर देती ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर एजुकेशन. That's great. तो ये कुछ questions थे जो कि मैंने rapid fire तरीके से आपको पूछा. और एक सबसे important बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मतलब ये सुनना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से aspirants इस वीडियो को देख रहे हैं, वो नीट 21 देंगे, 22 देंगे, या तो जिन्होंने अभी 9th या 10th में होंगे, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि ऑलवेज कीप योर ड्रीम्स एंड योर एस्पिरेशंस वेरी हाई एंड डू वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव देम. कभी मतलब कि अपना हार्डवर्क करने में पीछे नहीं हटना है, एंड हार्डवर्क अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क आपको करना है. मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा. दोनों चीजें आप साथ में करो एंड यू विल डेफिनेटली अचीव इट. थैंक यू आकांक्षा, बहुत ही अच्छा लगा. और एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक ऐसे टॉपर को टैग कीजिए जो आप चाहते कि नहीं इनको भी हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उनका भी हम ऐसे इंटरव्यू लें. शोएब आफ्ताब. शोएब आफ्ताब, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. हम ट्राई करेंगे, जरूर शोएब को लेकर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर और उनसे भी उनके प्रिपरेशन के जर्नी के बारे में हम पूछेंगे. थैंक यू आकांक्षा. So, आकांक्षा, आपको CTWT पर कैसा लगा? लाइक अभी इस प्लेटफॉर्म पर आप आए और मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपको ये पूरा जैसे एक घंटा निकल गया, कैसा लगा आपको? मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले भी काफी इंटरव्यूज देखे हैं और मेरा मन था कि मैं जाऊं उस पे, और एज अ होस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मतलब मैं बहुत रिलेट कर पाई और आपका एनर्जी लेवल वाज ऑसम सर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं डॉक्टर है उनसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो दैट वाज द इट वाज ग्रेट. तो आकांक्षा आपसे बात करिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि आपने लाइक आपसे बात की तो एक जेन्युइन टॉक लगा, जो यूजुअली हम लोग कहते हैं ना कि हम मतलब वो होनी चाहिए बातें. यूजुअली मैंने वो सारे क्वेश्चंस पूछा है जो कि एक बच्चे के मन में रहता है कि भाई कैसे मैं मैनेज करना है सभी चीज़ों को लेकर, हमें अपने हॉबीज को कितना टाइम देना है एंड ऑल. और मेरी यही मनोकामना है कि जैसे कि आपको एम्स न्यू दिल्ली मिल चुका है और एम्स में भी आप बहुत ही अच्छा करो, और MBBS मिल गया वो तो बहुत ही बड़ी बात है, वो भी एम्स से करना वो तो और बहुत बड़ी बात है. तो आप हर एक सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लाओ, मतलब ये मेरी विशेष है आपके लिए, क्योंकि ये पॉसिबल है. अगर आप नीट में कर सकते हो तो आप ये जरूर अपने MBBS में करोगे. और एक सजेशन के तौर पे ले लेना, एक सीनियर के तौर पे ले लेना कि आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, क्योंकि अभी हमने बहुत सी पार्टीज की हैं, तो अब जब हम MBBS कर रहे हैं तो इस पार्टीज को थोड़ा रिलैक्स कर अब उस पर बहुत, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि ये अफेक्ट कर जाता है हमारे स्टडीज को लेकर. और हम कहते हैं ना कि एनाटॉमी वो सब्जेक्ट है कि बॉडी के हर एक ब्रांचेस, हर एक नर्व्स, आर्टरी, वेन्स, वो हमें याद रखना है. वो तो आप बहुत अच्छे से करोगे और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू आकांक्षा.